यहां संविधान दिवस के अवसर पर ऑनलाइन विधिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं श्रीमान अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के निर्देशों की अनुपालना में संविधान दिवस के अवसर पर श्री विजय प्रकाश सोनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सिस्को वेबएक्स एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन विधिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधिक सेवा कार्यक्रम के दौरान स्कूली विद्यार्थी पैनल अधिवक्ता PL.V आदि ऑनलाइन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत करने के वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय राजस्थान सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज संविधान दिवस को सभी के साथ जिला स्तर पर विधिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करके मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्दावली के साथ शुरू होती है। संविधान की प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को बताती है। प्रस्तावना ही वो सोर्स है जिसके माध्यम से यह संविधान का दस्तावेज अधिकार प्राप्त करता है। प्रस्तावना संपूर्ण संविधान को उजागर करती है। संविधान दिवस के वर्षगांठ होने के कारण संपूर्ण जिले में विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है एवं दिनांक 26/11/2020 से 02/12/2020 तक विशेष सप्ताह का आयोजन किया जाएगा तथा संविधान अंगीकृत करने के बावजूद देरी से क्यों लागू हुआ इसका कारण बताया और प्रत्येक नागरिक द्वारा मौलिक कर्तव्यों की पालना किए जाने के लिए आह्वान किया। उन्होंने संविधान के प्रावधानों की पालना करने की सभी को शपथ दिलाई। उसके पश्चात श्रीमती अनुभूति मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ द्वारा उक्त कार्यक्रम में संविधान से संबंधित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यार्थियों पैनल अधिवक्ता पैरा लीगल वॉलंटियर को मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया। 2020 को ये संविधान दिवस के अवसर पर माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पूरे जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्योंकि अभी कोविड का दौर चल रहा है इसलिए ऑनलाइन माध्यम से वेबएक्स मीटिंग के माध्यम से और कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिला स्तर पर भी वेबएक्स के माध्यम से स्कूल्स को पैनल एडवेट को PLV को और आम व्यक्तियों को जोड़ते हुए वेबिनार का आयोजित किया गया। हमारे ये प्रयास है कि संविधान को अंगीकृत करके एडॉप्ट करके जिस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ संविधान निर्मात्री सभा ने कार्य किया और विभिन्न 13 समितियों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की उसके आधार पर संविधान को अंगीकृत किया गया उसका आम व्यक्तियों तक प्रचार प्रसार हो इसके लिए संविधान की उद्देशिका का पठन किया गया। संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में आम व्यक्तियों को जागरूक करना हमारा लक्ष्य है और विशेषकर अभी ये ई माध्यम से ऑनलाइन तरीके से शपथ दिलाई जा रही है कि संविधान की पालना करना न केवल सरकारी कर्मचारियों मंत्रियों या पदाधिकारियों का दायित्व है बल्कि प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह संवैधानिक दायित्वों की पालना करे और उसकी ई शपथ दिला करके माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा